दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनिमल द्वारा किए गए कुछ ऐसे फाइट्स देखने वाले हैं, जिसे देखने के बाद इन भोले से दिखने वाले जीव से शायद आप भी डरने लग जाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम थोड़ा सा स्पेशल बनाएंगे, जिसमें हम आपको 20 लाइक का टारगेट देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप हमें बताइए कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन कर दें। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, जहाँ ये दोनों ही सांड आपस में लड़ाई में मस्त है और मानो इन्होंने इस सड़क को अखाड़ा ही मान लिया है। जहाँ ये दोनों कुश्तीबाजी कर रहे हैं और आसपास के लोग इनकी कुश्तीबाजी देखने के लिए आए हैं। ये लड़ाई में इतने मगन है कि इनकी कुश्ती को छुड़ाने के लिए कुछ लोग भी कोशिश कर रहे हैं, पर भाई साहब आज इनको कोई नहीं रोक सकता। अब आप इस फुटेज को भी देखिए, जहाँ सब कुछ साधारण सा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ एकदम शांत। फिर अचानक से दो सांड दौड़ते हुए आते हैं और इस बेचारे को ठोक के चले जाते हैं। अब इसका क्या हुआ होगा ये तो भगवान ही जाने। दोस्तों लायन यानी हमारे जंगल का किंग, जिसके बारे में आप भली भांति जानते ही होंगे, ये प्राइड में रहते हैं और शिकार भी प्राइड में करते हैं। ये एक बेहतरीन शासक होने के साथ साथ एक बेहतरीन शिकारी भी है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इतने सारे लायन इस बफेलो पर लदे हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बफेलो अफ्रीका के दूसरे सबसे खतरनाक जीव हैं। इसके बावजूद भी ये इनका शिकार करते हैं और कुछ समय तक ऐसा चलने के बाद ये बफेलो अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों आपने अक्सर कंगारू को शांत व्यवहार करते हुए ही देखा होगा। ये पूरी दुनिया में केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, परंतु कंगारू का बर्ताव कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है जो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देखिए, जहाँ एक कंगारू है और एक बकरा, परंतु पता नहीं क्यों ये कंगारू उस बकरे पर एग्रेसिव हो जाता है और हमला करने की कोशिश करता है। ये कंगारू उसे तीखे नजरों से देखता रहता है, फिर उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। दोस्तों आपने बेयर को अक्सर आमतौर पर मछलियाँ और छोटे जीवों का ही शिकार करते हुए देखा होगा, परंतु इस फुटेज को आप ध्यान से देखिए, जहाँ ये भालू और उसका बच्चा साथ में एक हिरन के बच्चे का शिकार कर रहा है। जहाँ कुछ समय तक इसके पीछे दौड़ने के बाद भालू उस हिरन के बच्चे को दबोचते ही बेरहम तरीके से मार देता है। दोस्तों आप अगली वीडियो फुटेज को ध्यान से देखिए, जहाँ ये उल्लू उस सांप का शिकार करने आता है। जहाँ कुछ समय तक इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है और अंत में ये स्नेक उस उल्लू को ढसकर उसकी जान ले लेता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन यहाँ से जाने से पहले ये भूल मत जाना कि आज हमने वीडियो पर 20 लाइक का टारगेट रखा है, तो इस टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।